गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे हैं। हमने क्वेश्चन पहले राइट कर लिया है। हम इस एक्सरसाइज के जो पहले वाले क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। जैसे हमने पहले लास्ट एक्सरसाइज में किया, हमने सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का आंसर निकाला। अब क्वेश्चन का आंसर पहले दिया है हमारे पास, हमें इक्वेशन बनानी है। जैसे ही हमने लिखा 1/4 - 1, तो जो फर्स्ट वाला टर्म रहता है फ्रैक्शन वाला हो गया सम ऑफ जीरो, दैट इज 1/4। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस वन, तो हमने ऐड कर ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा रहता है सम ऑफ जीरो, तो इसका आंसर है 1/4 एंड अल्फा बीटा रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो = -1। तो हमने इसी के साथ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर्म के साथ कंपेयर किया। हमने लिखा ax² + bx + c = k, x - α x - β। हमने जो k था x की मल्टीप्लाई पूरे के पूरे को की ऐसे, तो ये x को भी हो रहा है और बीटा को, तो x² बना बीटा x बन गया। जब -α से की हमने मल्टीप्लाई तो -α x बना, -, प्लस हो गया अल्फा बीटा। तो हमने x² लिखा, यहां से x बाहर निकाला, -β साथ में, तो α + β बचा और α + α (β). तो α + β है उसका आंसर हमारे पास क्या है 1/4। राइट कर लिया α β कितना है -1। तो जो 1 आया, हमने जो इक्वेशन दी वो x की मल्टीप्लाई किसको की 1/4 को, x/4 आया -1 = 0। अब हमने जो k था वो 0 के साथ डिवाइड हो गया, तो 0 आंसर आया, तो इक्वेशन ये बच गया। हमने इसका एलसीएम लिया, तो हमारे पास एलसीएम लिया तो 4x² - x - 4, और जो 4 था मल्टीप्लाई करने पे 0 हो गया। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 1/3। तो सेकेंड जो पार्ट रहेगा वो है √2 1/3। ओके, तो हम लिखेंगे फर्स्ट सम ऑफ जीरो आएगा हमारे पास √2। दूसरा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आता है हमारे पास 1/3। अब हमने पहले ही ऐड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रीवियस क्वेश्चन का राइट करके रखा हुआ है, हमारे पास है ax² + bx + c = 0। अब α + β का सम ऑफ जीरो, उसका आंसर कितना है √2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ये है हमारे पास α β, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आता है 1/3। अब हमने जो इक्वेशन था वो पहले लिख लिया है ax² + bx + c = x - α x - β। तो हम अब मल्टीप्लाई करेंगे, के लिखा ब्रैकेट लगाया, x से जब इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² - β x, जब -α से करेंगे तो α x - - + हो गया β α। अब इसमें से हमें कॉमन निकालना है x, तो हमारे पास आ गया x², यहां से -x बाहर निकाला तो अंदर बचा α + β, और यहां पे क्या आ गया α β। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फॉर्म में आ गया। तो हम लिखेंगे x² - x (α + β) कितना है √2। हमने लिख दिया √2 + α β कितना है 1/3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जीरो से कंपेयर करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा x² - √2x + 1/3 = 0। ये क्वेश्चन यहीं भी खत्म हो गया। अगर एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम लोगे 1, 1, तो हमारे पास आ गया 3x² - √2x + 3 = 0। जिसके नीचे जो एलसीएम में 3 आया वो मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाता है। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है,
0 और 5। क्वेश्चन नंबर 3, 0 एंड अंडर रूट 5, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूरा की पूरा प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे होगा, हम बस जहां जहां वैल्यू चेंज हो गए वहीं वहीं राइट करेंगे। इस तो पूरे के पूरे क्वेश्चन है एज इट इज ही राइट करने हैं। तो 0 और 5 है, सम ऑफ 0 जाता है हमारे पास, सम ऑफ 0, 0 राइट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0 अंडर रूट 5 लिखेंगे। दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सम ऑफ 0 आ गया 0, ये इसकी वैल्यू क्या आई अंडर रूट 5। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे दोबारा से सॉल्व करके रखा हुआ है। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन राइट प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे करा, जब यहां पहुंच जाएंगे तो हम वैल्यू डालेंगे, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आती है 0 मल्टीप्लाई 0, अल्फा बीटा कितनी आई अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड दैट्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। तो हमारा सॉल्यूशन खत्म हो गया और हमारा आंसर भी आ गया है। तो जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट रहता है वो भी अगेन इसी क्वेश्चन के जैसा होगा। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये होमवर्क है आपके लिए। तो होमवर्क है 1.1, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है -1/4, 1/4, इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है -1/4, 1/4, और इसका लास्ट जो पार्ट रहता है वो है 4/1, 4/1। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे होंगे। थैंक यू।